दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं गोवा के थर्ड डे में, अपने थर्ड होटल में। तो यहाँ का भी एक रूम टूर तो देना बनता ही है। और हम लोग थोड़े से थक गए हैं, दिन भर साउथ गोवा घूमे। और रेडिसन से हमने वो रेडिसन की वो टैक्सी ली थी, उनकी इनोवा जो गाड़ी थी उसमें उन्होंने हमको पूरा साउथ गोवा घुमाने के बाद शाम को छोड़ा है सी क्वीन बीच रिजॉर्ट में, जो कि अभी आपने एंट्री के थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हैं। और उसके बाद सी क्वीन का रूम कैसा है, और ये कोलवा पे है, तो कोलवा के मतलब आधे किलोमीटर भी नहीं है कोलवा बीच। और यहाँ भी एक बीच है, मतलब अपना प्राइवेट बीच है इनका। तो चलिए वो सुबह देखेंगे, और या तो देखते हैं कब देखेंगे, पहले रूम टूर आपको दे देते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट मैंने अभी यहाँ एंट्री की है, मेरे पीछे ये डोर है, और अभी हम देखते हैं आगे क्या क्या है। से एंट्री लेते ही ऐसा नज़ारा हमको दिखता है, ये है पूरा रूम। और यहाँ से ही शुरू करते हैं, इस साइड से। तो एक छोटा सा डस्टबिन है, और यहाँ हमने अपना सामान पहले रख दिया, और ये सामान रखने के लिए ये टेबल है। और यहाँ पे फिर टीवी यूनिट है इनका, और ये कॉफ़ी चाय और ये सब यहाँ के लिए कुछ सब सब रखा हुआ है। और ये देखिए, स्काई का टीवी का रिमोट है, ये यहाँ का फूड मैन्युअल है, यहाँ से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी आकाश के लिए हमने दाल खिचड़ी एक ऑर्डर कर दी है। और इस साइड एक बड़ा सा मिरर है रेडी होने के लिए, ये देखिए इस तरह से। और इधर ये साइड टेबल, और यहाँ पे हाउसकीपिंग और रिसेप्शन सबको आप फ़ोन कर सकते हैं। ये इंटरकॉम इनका एक साइड टेबल, यहाँ पे भी ड्रॉस दिए हुए हैं, कुछ सामान आप रख सकते हैं जो भी ज़रूरत का हो। और इस साइड पे भी साइड टेबल है, इधर भी ड्रॉस हैं, चार्जिंग पॉइंट है, ये सब है, ये साइड लैम्प। और एक थीम फॉलो किया गया है, क्रीम कलर एंड ये जो अपना होता है ना एक्वा ब्लू कलर का, तो बहुत अच्छी वाइब लेके आ रहा है। बीच के सामने वाला रिजॉर्ट है, तो एकदम वही कलर इन्होंने फॉलो भी किया है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बहुत स्पॉन्जी है यहाँ का ये। और दिखाते हैं बालकनी कैसी है, तो गार्डन फेसिंग है हमारा रूम, और यहाँ से बीच भी दिखता है दिन में। अभी तो रात है तो बीच नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये छोटी सी बालकनी है यहाँ पे, और ये रहा यहाँ का गार्डन, सामने आपको दिख रहा होगा गार्डन। और ये गार्डन के जस्ट आगे वहाँ पे बीच है जो सुबह दिखता है। अभी भी देखिए लहरों की आवाज़ें आ रही हैं, ये समुंदर की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो बहुत अच्छा रूम लगा हम लोगों को, तो मतलब यहाँ पे सुबह सुबह उठ के हम लोग चाय कॉफ़ी पियेंगे, लास्ट दिन अपना एंजॉय करेंगे। और 11 बजे यहाँ पे चेकआउट है, तो इस वक्त बज रहे हैं पूरा साउथ गोवा घूम घूम के शाम के बज रहे हैं, हमको लग रहा है 7:30 हो गए हैं। तो आज तो आराम करेंगे, स्विमिंग पूल है, और पूरा रिजॉर्ट का भी टूर मैं दूंगी। अभी ये रूम का टूर देखिए, और बहुत अच्छा लगा और मस्त लग रहा है। अब चलिए वॉशरूम दिखाते हैं कैसा है। ये रहा इनका वॉशरूम, ये देखिए सामने टॉवल्स, और ये वॉश बेसिन, और ये यहाँ पे भी यहाँ कुछ है नहीं, वॉश बेसिन का एरिया इन्होंने कवर कर दिया बस। और यहाँ पे ये टॉयलेट टॉवल्स, और ये शावर एरिया अलग से है, इसमें डोर भी है ये ऐसे कि पूरा बाथरूम गीला नहीं होगा। ये देखिए बाथरूम भी डिसेंट है, अच्छे साइज का है। आकाश का डिनर आ चुका है, आकाश का दाल खिचड़ी एंड दही। वाह भाई वाह भाई वाह। हाँ, आकाश को एक्चुअली हम लोग फिश वगैरह खाए थे, तो आकाश को जमा नहीं, तीखा था, तो आकाश के लिए हमने दाल खिचड़ी ऑर्डर की है। और ये सारा स्पून भी आ गया है, तो चलिए शुरू करते हैं दाल खिचड़ी खाना, खिलाना दाल खिचड़ी खाना। कि नहीं, नहीं मैं खा रहा हूँ। अच्छा, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हेलो दोस्तों, तो ये रिजॉर्ट में हम लोग अभी जा रहे हैं अपना डिनर करने के लिए। आकाश के लिए हमने दाल खिचड़ी मंगाई थी, जैसा आपने बीच में शॉर्ट देखा, लेकिन हम लोग सोच रहे जाके डिनर करें और थोड़ा एक्सपीरियंस लें, क्योंकि कल हमारा चेकआउट ही है। तो बस चलते हैं, मिलते हैं। रात के टाइम ही इस रिजॉर्ट का टूर दे रहे हैं, शायद दिन में हम लोग को जल्दी 10 बजे निकलना है, तो दे ही नहीं पाएंगे।
लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, ये देखिए ग्रीनरी कितनी अच्छी मेंटेन की है इन लोग ने, बहुत अच्छा। दिन में तो ऑसम लेवल का आएगा यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह, बहुत अच्छा है। पानी आ रहा है, ये सब रात के नज़ारे हैं। और एक बीच में बड़ा सा फाउंटेन है, ये देखो ये थोड़ा सा प्रीमियम वाटर है। यहाँ भी देखिए कुछ रूम्स हैं, इसमें एक रूम है जिधर पे हॉल का हॉल है, अंदर फैमिली रूम टाइप का है इसमें। हाँ, और वो वैसे ऑप्शंस भी है जिसमें फैमिली के साथ है। और वहाँ पे भी देखिए बड़े रूम्स भी है, इसमें और भी बड़े रूम्स हैं। और पूल कितना अच्छा है यार, अभी चले जाए ऐसा लग रहा है ना पूल। हाँ ऐसा ही चाहिए, ये बच्चे लोग फैमिली के लिए इतना ही बहुत है। फैमिली के लिए ऐसा ही चाहिए। देखो यहाँ पे 2.5 तो आकाश का ही हाइट का है, ये अच्छा है क्योंकि रीवा में और एडिसन में दोनों जगह बहुत गहरे पूल मिले थे हमको, तो यहाँ अच्छा पूल भी है। और इस साइड ही रिसेप्शन है जहाँ से हमने एंट्री ली है। सुबह 5 मिनट लगता है और यहाँ से ही हमने एंट्री ली थी वो वाला। और ये रिसेप्शन, ये शैंडिलियर, ये वहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है, ये इसमें सामान लेके जाते हैं और बहुत ही प्यारा है। लेकिन इनका प्राइवेट बीच भी है, एक छोटा सा ब्रिज है फिर वहाँ से बीच पे जाते हैं, लेकिन उधर है बीच वहाँ पे। इस समय अंधेरा इसलिए नहीं दिख रहा है, और वो हमारा रूम है वहाँ से सामने दिखता है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, आकाश ने तो दाल खिचड़ी खा ली है। पूल बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, और बच्चों का वहाँ पे देखिए प्ले एरिया भी है, और यहाँ पे भी बाहर बैठ के भी खा सकते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है तो अंदर ही सही। गार्डन से हम आगे से आए ना, हाँ तो पीछे वो हमारा फ्लैट है, तो हमको यही गार्डन दिख रहा है। हाँ वही गार्डन फेसिंग है ना ये, और ये रहा पूल, ये रिजॉर्ट अच्छा है, नाइस। हाय बेबी, बैठ जाओ आकाश, बैठ जाओ, बैठो, हाय करके बैठ जाओ, हाय करके बैठ जाओ। आज खेल रहा है आकाश, सूप पीना Hello. Our biryani is here now and soup is here. Raita. कैसा लग रहा है मिस्टर सिंह? बहुत अच्छा है। अभी हम लोग खा रहे हैं बिरयानी, तो क्वालिटी मतलब ठीक है, बहुत एक्सीलेंट नहीं है, ओके ओके अच्छा है, आकर्ष। तो अभी हम लोग खाना खाने यहाँ आए थे, तो यहाँ का ये वॉशरूम देखिए, ये कॉमन वॉशरूम है जस्ट हैंड वॉश के लिए, ये जो खाने वाला काउंटर है, लेकिन ये भी अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लगा। और ये एरिया मतलब ये कॉमन है, मतलब जहाँ हम लोग खाना खाते हैं उसके पास ही है जस्ट हैंड वॉश के लिए। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं स्वीट डिश, और ये देखिए ये पूरा व्यू, और ये रिजॉर्ट का फ्रंट गेट है, यहाँ से ही हम अभी अंदर गए थे और साइड में रिसेप्शन था, तो बाहर से एक बार मैंने लिया है। जब हम लोग गाड़ी से उतरे तो बैटरी डाउन थी, तो बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाए थे। यहाँ पे हम लोग इस रिजॉर्ट में रुके हैं, और यहाँ पे सामने ही देखिए बीच है, तो हम लोग को आवाज़ आ रही है। अच्छा ये बीच है क्या? अरे वाह, बीच के लिए ये रास्ता है, ये गार्डन से होके आपको जाना है।
वाह कोई है क्या अभी? अभी आप ही हो और कोई नहीं है। कौन सा रेस्टोरेंट है? अच्छा वहाँ फिश थाली मिलता है क्या? ये रास्ता सीधा देखिए, ये होटल है जहाँ हम लोग रुके हैं और ये रास्ता सीधा हमको लेके जाता है बीच पे और ये है नज़ारे। एक्चुअली रात का टाइम है। के सामने दिख रहा है बीच। दूर है रे, उल्लू बनाया। अच्छा ये फेमस है, एक होटल है, रेस्टोरेंट है। जा रहे हो रात को भाई साहब? देखिए बीच की हवाएं, ठंडी ठंडी चल रही हैं हवाएं। अगर चले अभी देख लिया बीच, अभी वापस आ गए हम अपने रूम की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुख रहे और ये बालकनी का व्यू है सुबह का होटल का। सुबह देखिए ये भैया साफ कर रहे हैं गार्डन और यहाँ पे ये पूरा अल्ट्रा वाइड एंगल में ये रिजॉर्ट के नज़ारे आपको दिखा देती हूँ। ये रिजॉर्ट है जहाँ हम लोग रुके। ये बड़ा सा क्रिसमस ट्री। ये हमारा स्विमिंग पूल, हम लोग अभी इसमें जाने वाले हैं। एक्चुअली पहले बीच जाके आते हैं फिर स्विमिंग पूल, फिर नाश्ता करते हैं। हमको 10 बजे निकलना भी है, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। लास्ट दिन एकदम जल्दी जल्दी हो गया। एक्चुअली नॉर्थ और साउथ गोवा दोनों नहीं हो पाता है, तो हम लोग यहाँ पे कोशिश किए दोनों कवर करने का, इसलिए थोड़ा घाई घाई हो गई। और यहाँ आकर्ष और मिस्टर सिंह रेडी फॉर बीच। ये सब रूम थोड़े से बड़े हैं और सबसे बड़े वो रूम्स है यहाँ पे। और फिर वही रिजॉर्ट के नजारे, रिसेप्शन, ये जो रात को दिखाया था वो सब आपको दिन में दिखा रहे हैं। अच्छा है, लेकिन सामने अभी देखिए बीच आपको दिखेगा, फ्रंट गेट के सामने बीच है। ये यहाँ का लॉबी एरिया है। ये
रिजॉर्ट का पूरे दिन का व्यू है। ये रिजॉर्ट में हम लोग रुके हैं लास्ट दिन साउथ गोवा में, सी ग्रीन बीच रिजॉर्ट। ये फ्रंट व्यू है इसका। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी से आए तो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की हुई है। आ जाओ आकाश। और यहाँ पे सामने ही फ्रंट में बीच है, लेकिन एक रहता है ना कोलवा बीच, जाना है तो लेट्स सी जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 7:30 हो रहे हैं, 10 बजे नाश्ता करके निकलना भी है। कोलवा बीच किस साइड है? इस साइड कोलवा बीच आपको जाना है। बीच से जाएंगे कि रोड से जाएंगे? रोड से अगर जाना है तो रोड से जाना है तो आप वो जो चढ़ाई दिखता है ना उरेड वाला आगे वाला, हाँ, उधर से फिर बीच जाना चाहिए। ऐसा है ना कि इधर से भी आप आगे से ऐसा बीच जा सकते हैं। कितना दूर है? 15 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा ना, नहीं तो ईसाई से सीधे निकल जाए। आकाश भी आ गया। वेरी गुड। आकाश को बीच पे जाना बहुत पसंद है। और आकाश और मम्मी अभी फ्रंट वाले बीच पे देखने जा रहे हैं होटल के सामने। एक्चुअली एक बीच तो सब वही रहता है, बीच का ही बॉर्डर है ये, कोलवा बीच का ही बॉर्डर है। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ब्रेक दे रही हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बीच दिखाते हैं, और सामने जैसा कि आपको हल्का हल्का दिखने लगा होगा समुंदर की वेव्स और बीच, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं अब आगे बीच की तरफ। और आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में बीच, और कोलवा बीच ही है एक्चुअली ये कोलवा बीच। यहाँ से अगर बीच से ही हम लोग जाएंगे तो 5 मिनट्स में पहुँच जाएंगे, और रोड से जाने में 10 मिनट लगता है। तो बस साउथ गोवा का बीच दिखाएंगे। यहाँ का सैंड की स्पेशलिटी है कि एकदम वाइट सैंड रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।